अगर आपने भी मीशो से कोई प्रोडक्ट मंगाया है और उसमें आपको कोई कमी लग रही है, उसको आप एक्सचेंज या रिटर्न करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीशो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। सिंपल आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पर चले जाना है, जहाँ पर आपके सारे ऑर्डर दिखाई देते हैं, जो बीच में ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक ईयरबड्स मैंने मंगाई थी दोस्तों, ये वायरलेस ईयरबड्स है। इसमें दोस्तों कुछ मुझे डिफेक्ट लगा तो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं ये 28 मार्च को मेरे पास आ गई थी, डिलीवर हो गई थी ये मेरे घर पर। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी कुछ और डिटेल्स आपको दिखाता हूँ, तो कैसे आप इसको रिटर्न ये एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 410 रुपये की है। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न और एक्सचेंज ऑर्डर, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये रीज़न किस रीज़न से आप रिटर्न या एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो कोई एक रीज़न आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाला जो रीज़न है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सिंपल यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, रिटर्न और एक्सचेंज का। तो आप करना क्या चाहते हैं, तो हम रिटर्न करना चाहते हैं दोस्तों, और सबमिट पर क्लिक कर देना है, जो पिंक कलर में सबसे नीचे बटन दिया गया है, और यहाँ पर आपका एड्रेस भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिटेड, और यहाँ पर दोस्तों तारीख भी पता लग जाएगी। तो देख सकते हैं पिकअप बाय 31 मार्च, तो यानी कि 31 मार्च को मेरे घर पर आएगा, जो मैंने प्रोडक्ट रिटर्न के लिए दिया है वो ले जाएगा, और 7 घंटे के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में वापस से उतना रिफंड आ जाएगा जितना मैंने इस प्रोडक्ट पर खर्च करा था। तो सिंपल यहां पर देख सकते हैं रिटर्न रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट हो गई है, तो 31 से 30 तारीख के बीच में वो आ जाएगा, जो कि हमारे रिटर्न प्रोडक्ट है, फिर वो ले जाएगा। और सिंपल हमारे जहाँ से हमने इसका रिटर्न करा था, हमने कैश ऑन डिलीवरी करी थी, ये UPI से करा था, वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप मीशो से कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।